लेकिन किसी भी कर्मचारी को नोटिस नहीं दिया गया, ये हमने अपना विरोध सभी लोगों ने दर्ज किया है। श्रम कानून का प्रावधान है कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी को निकालने के लिए एक महीने का नोटिस देना पड़ता है, तीन महीने का वेतन एडवांस देना। कॉलेज प्रशासन ने उस प्रक्रिया को पूरा भी नहीं किया। 16-8 का पत्र आज उन्होंने जारी किया, ये भी हमने विरोध दर्ज कराया। सभी लोग उसमें स्टेट यूनियन के लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग, जनप्रतिनिधि लोग सारे सम्मिलित थे। हमने कहा आप एक पत्र लिख दीजिए कि इसकी पुनर्समीक्षा की जाए, कारण कि आपकी लड़ाई अब शुरू हुई है साथियों। कॉलेज प्रशासन ने पहले भी इस बात को मानने से आपको इनकार कर दिया कि पुलिस प्रशासन को यहाँ खड़ा कर दिया कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सर, आपने जिस संस्थान में सेवा दी है, आपने एक जीवन दिया है, वहां पुलिस प्रशासन आके कॉलेज प्रशासन की शहर में आके खड़ा होकर कर्मचारी को अंदर नहीं जाने दे, तो लड़ाई साथियों अब शुरू हुई है कि राजस्थान की सरकार पुनर्समीक्षा आपके इस नियोजन के निर्णय पे करेगी। और संघर्ष के रास्ते यही है साथियों कि आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, पूरा बीकानेर आपके साथ खड़ा है। पहले तो आपकी एक संघर्ष समिति यहाँ निर्माण होता है, बात यही है कि आपको एक संगठित होकर से
एक पैसे हमने करना पड़ेगा, एक तो मैं ये समझता हूँ निश्चित रूप से आपका एक परमानेंट मेरा ये कहना है आप संगठित होकर काम करें, मतभेद मत रखें, कोई तरह का किसी से मतभेद नहीं होना चाहिए और एक होकर सो मिलने का फैसला उस पर आप अपने करेंगे रहें। निश्चित रूप से सरकार को भी झुकना पड़ेगा, प्रशासन को क्या है कहना मानने पड़ेगा, लेकिन सरकार खुद झुकेगी। ये बात आपको आगे संघर्ष समिति जो निर्णय करेगी, आपको लोग निर्णय करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी बीकानेर के जितने भी राजनीतिक दल हैं कर्मचारी संघ है वो सब आपके साथ हैं। मेरे पास वाईकेपी शर्मा वो भी थी, उनका फोन है, उन्होंने भी ये कहा था कि भी कल 2 तारीख को हम लोग है ना संविदा कर्मचारी पूरे हिंदुस्तान में 95% संविदा कर्मचारी है तो उनके लिए आप लोगों से भी उनका कहा था कि अगर आप लोगों की बात होती है तो वो बात कल वो वहाँ पे उठाएंगे तो आप लोग भी तब तक आप सब लोग हाजिर लगाते रहेंगे, तब तक आपका बहुत मिल सकता हूँ। बायोमेट्रिक में आपको कोई नहीं रोकेगा, आप अपनी कम करें और अपनी हाजिर लगाएं जैसे यथावत है, लेकिन संग्रह समिति को आपके आंदोलन के रास्ते तय करने पड़ेंगे। निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय कुछ नहीं हुआ है, आप ये मत सोचा कि निर्णय हो गया कि आपकी 150 आदमी विकास को कभी लगा के निकालने का निर्णय कर दिया, उस पर अभी स्टे नहीं हुआ है, उस पर स्टे मंत्री करेगा, प्रशासन सिंह स्टे मंत्री करेगा। दोस्तों मैं आपको एक सबसे बड़ी बात एक कहता हूँ, इन 150 व्यक्तियों में इस बीकानेर के नुमाइंदों को ये सोचना पड़ेगा कि बीकानेर से बाहर के आए व्यक्तियों को नहीं निकाला गया और बीकानेर के बासिंदों को निकाला गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो बीजेपी है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है और चाहे वो कांग्रेस है, उसके नुमाइंदों को एक बात ये देखनी पड़ेगी, बीकानेर के बाहर के जो लोग हैं चाहे वो टीचिंग स्टाफ है चाहे नॉन, दोनों में देख लो आज वो 150 में सारे के सारे बीकानेर के बासिंदे हैं, बाहर गए भी व्यक्ति नहीं है और इनके चाहते व्यक्ति यहीं रह गए हैं। मैं बीकानेर के एक तो हमारे कांग्रेस के जो मुखिया हैं यहाँ उनको भी ये कहता हूँ मैं, आपको इस बात में बहुत बड़ी गणित पलाना में प्लांट खुला, उसमें ये तय किया गया था कि वहाँ के आदमी रहेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में बीकानेर का व्यक्ति क्यों नहीं रहेगा, क्यों झुंझुनू का व्यक्ति आके यहाँ रहेगा, झुंझुनू कैसे 10 व्यक्ति मेरे पास में 13 व्यक्तियों को था यशपाल जी, मैंने उसका केस लड़ा था, उन 10 में से 6 व्यक्तियों के पास में उनके केस चल रहे हैं, उनके ऊपर 307 और 302 के केस चल रहे हैं, मेरे पास उनके रिकॉर्ड है क्योंकि वो यहाँ रखे हैं, यहाँ के बीकानेर के चाहे मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ चाहे यशपाल जी करते हैं, इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है हमारी, इस बिंदु से हमारी दोनों पार्टियों को बाकी और संस्थाओं को ये सोचना पड़ेगा कि बीकानेर के हर बासिंदे के लिए कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिर्फ चुनाव में रहती है, उसके बाद में जिसका पेट भर जाता है उसका सारा ही गलत है। और एक संघर्ष समिति में आप जो तय करोगे, जैसे रमेश जी हैं, दिनेश जी हैं, महिलाओं में निर्मला जी हैं, बाकी और आप 5 व्यक्ति हैं, दिनेश जी आप लोग, ये 5 व्यक्ति आप मिलकर राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये हमारे राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आपका मुद्दा है, सबको अपने ध्यान में रखने, 150 भी एक साथ मिलकर ही चलना है, 150 नहीं आप सीपीए छोड़ने के सारे क्रम से 56 व्यक्ति की और लिस्ट है गाड़ी है मेरे पास, ये अभी व्हाट्सएप आया उसमें 56 व्यक्ति की लिस्ट, एक और वो डिक्लेयर कर रहा है वो बीकानेर बैठा है, बीकानेर बैठा हुआ, मेरे पास भी लिस्ट आई है 56 व्यक्ति की और आई है, ये नहीं है कि 150 व्यक्ति नहीं है, ये पूरे के पूरे व्यक्ति है, 13 पहले व्यक्ति पहले निकले थे उनको भी साथ लो, 30 व्यक्ति पहले निकले उन सबको एक साथ लेके एक संघ समिति बढ़ा लो अपने 7 व्यक्तियों की और सर्वसम्मति से उसको तय कर लो और उसमें जो भी होगा हम भुगतने के लिए तैयार हैं तन मन धन से। अभी बड़ा बड़ा और ऐसे व्यक्ति में
जिनको आप सबके बारे में इस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासन के बारे में नॉलेज है, जानकारी हो, ऐसे ही आप लोग नहीं लेना, जो बारीकी से एक एक तथ्य को खुल के रख सके हम लोगों को। और इस प्रशासन से दबने वाला व्यक्ति भी इसमें नहीं है, और मैं बात खुले शब्दों में कहता हूँ, कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो इन अफसरानों के और इन प्रिंसिपलों के घर पे जाके अपनी बात करते हैं और यह कर्मचारी के साथ मुठभेड़ करते हैं, उन व्यक्ति को साथ मत लेना। उन व्यक्तियों को कभी भी आप साथ मत लेना, चाहे वो आपसे नाराज है, चाहे आपकी लीग आउट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन व्यक्तियों को अपने संघ समिति में मत लेना। राजनीतिक संगठन है, प्रमुख राजनीतिक संगठन, आपके मुखिया आज हमारे साथ है, हम इसका धन्यवाद है। वैसे इनका खुद का आंदोलन है ये, यशपाल जी बता रहे हैं। और जी आपको मैं एक विषय बताना चाहूंगा, दो दिन पहले अखबार में आया था माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री का कि यहाँ पे संसाधनों की कमी है, पैसे की कमी है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये निर्विवादित है, और इस बात को आप नॉन पॉलिटिकल लेना। हमारे यहाँ पे एमबीए डिपार्टमेंट है, वाके बैठे होंगे कर्मचारी, कितने बच्चे हैं और कितने फैकल्टी हैं आप देखो, 10 फैकल्टी हैं, उसमें एक प्रोफेसर है और कितने दूसरी थी, 2 एसोसिएट प्रोफेसर है, 10 हैं और मेरे साथ 16 बच्चे हैं, यानी कि औसत व्यास जी एक बच्चे पे एक फैकल्टी है। और ये प्रथा अभी नहीं है, शुरू से है, सरकार पहले भी थी, अभी क्या कर रही है इसके